गुड मॉर्निंग, वी आर सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बी एड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास स्वयं के अवधारणा प्रश्न पत्र के अंतर्गत तो सिलेबस के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने कल पहले यूनिट के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसका नाम था शव एवं शव के अवधारणा तथा इसका विकास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, तो आज हम इसकी दूसरी यूनिट आत्मसम्मान, आपको पहचान, विकासात्मक प्रक्रिया तथा शिक्षक का व्यक्तित्व के संदर्भ में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो इसके अंतर्गत आत्मसम्मान की अवधारणा एवं अर्थ सहित पहला पॉइंट है आत्मसम्मान एवं की अवधारणा एवं अर्थ। इसके अंतर्गत आत्मसम्मान से तात्पर्य है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी कार्य करता है और खुद का सम्मान वो पाना चाहता है समाज के अंतर्गत। इस प्रकार से आत्मसम्मान की अवधारणा के और उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आत्मसम्मान की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी है वो उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आत्मसम्मान की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए की होती है और उसके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान का क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आत्म पहचान से तात्पर्य है कि आत्म स्वयं की पहचान व्यक्ति वो किस प्रकार से समाज के अंतर बनाता है उसके संदर्भ में जानकारी है वो दी जाएगी। उसके अलावा आत्म पहचान की विशेषताओं के संदर्भ में आपको इस यूनिट के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी और जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में आत्म पहचान की आवश्यकता होती है और उसके महत्व की भी जानकारी इसी यूनिट के अंतर्गत दी जाएगी। साथ ही आत्म पहचान के विकास के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, किसी भी व्यक्ति की स्वयं की पहचान कराने के अंतर्गत शिक्षक और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके संदर्भ में भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके साथ में ही आत्मनियंत्रण की विधियाँ भी, आत्मनियंत्रण के संदर्भ में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आत्मनियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर विकासात्मक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषात्मक विकास आदि विकास के बारे में जानकारी है वो इस यूनिट के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथ ही इस यूनिट के अंतर्गत आपको इस प्रकार से शिक्षक के व्यक्तित्व के संदर्भ में भी जानकारी दी जाएगी कि इस प्रकार से शिक्षक एक समाज के अंदर रोल मॉडल का कार्य वो करता है और शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए और उसका व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से होना चाहिए और विभिन्न व्यक्तित्व के विविध आयामों में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और इस प्रकार से शिक्षक के व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी वो दी जाएगी इस दूसरी 1.1 यूनिट के अंदर दी जाएगी। अब इसके बाद में हम सेक्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर 1.2 जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा एवं तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में जानकारी है वो दी जाएगी। जिसके अंदर अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है मोटिवेशन, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिप्रेरणा की प्रगति उसके स्वरूप के संदर्भ में जानकारी इस यूनिट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है उसके संदर्भ में भी जानकारी है वो प्राप्त की जाएगी। उसके साथ ही अभिप्रेरणा के प्रकारों के संदर्भ में जानकारी को इतने प्रकार की होती है, साथ ही अभिप्रेरणा संबंधित कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों की भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही अभिप्रेरणा के साथ में अभिप्रेरणा उपलब्धि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भी जानकारी है वो दी जाएगी। शैक्षणिक व्यवसाय के अंतर्गत किस प्रकार से अभिप्रेरणा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसके संदर्भ में जानकारी है वो दी जाएगी। उसके साथ में आत्मवार्तिकरण या अभिकर्मित आवश्यकता के सिद्धांत पर भी विशेषताएँ बताई जाएगी। फिर अभाव की आवश्यकता है, आवश्यकता वैष्णों की आवश्यकता का सिद्धांत भी बताया जाएगा। इस प्रकार से अभिप्रेरणा तथा उपलब्धि अभिप्रेरणा यूनिट 1.2 के अंतर्गत अभिप्रेरणा से संबंधित इस यूनिट के अंतर्गत बताया जाएगा आपको। साथ ही हमारे सिलेबस की दूसरी यूनिट है जिसका नाम है संप्रेषण या संसार का। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन स्थापित करना, यानी दो व्यक्ति के मध्य किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन यानी संपर्क स्थापित करना ही संप्रेषण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम संप्रेषण के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, संप्रेषण की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी, संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार की है इसी के साथ में उसके सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर संप्रेषण चक्र
इससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, साथ ही में संप्रेषण के प्रकारों की भी जानकारी दी जाएगी, शाब्दिक है अशाब्दिक है। इसके साथ ही व्यक्तिगत है सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत व्यक्तित्व संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण और फिर इसके बाद संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे मनोवैज्ञानिक कारक है, सामाजिक कारक है, इसके साथ ही संगठनात्मक कारक आदि की जानकारी दी जाएगी। फिर शैक्षिक संप्रेषण में प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में भी जानकारी वो दी जाएगी। इस यूनिट के माध्यम से संप्रेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो आपको दी जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो दूसरी यूनिट है वो किसके संप्रेषण पर आधारित है, इसके अंतर्गत संप्रेषण से संबंधित विशिष्ट प्रकार की जानकारी है वो इस यूनिट के माध्यम से आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है योग, तीसरी यूनिट है योग का दर्शन और शुद्धता में इसकी भूमिका, योग तथा धर्म का अभाव, ध्यान का अभ्यास। इस प्रकार से तीसरी यूनिट के अंतर्गत आपको योग दर्शन, योगा के बारे में आपको बताया जाएगा, योग का अर्थ बताया जाएगा, योग क्या है, फिर विभिन्न क्षेत्रों में योग का उपयोग, व्यक्ति के जीवन में योग का क्या उपयोग है, विश्व योग दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही में योग के अलावा एक ध्यान की मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत ध्यान की अवधारणा को बताया जाएगा, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान व्यक्ति के जीवन में क्यों आवश्यक है, इन सभी की जानकारी इस यूनिट के अंतर्गत दी जाएगी, जिसके अंतर्गत योग शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, फिर विभिन्न प्रकार के योगासनों के बारे में जानकारी है वो दी जाएगी और योगासनों की क्रियाओं से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी, कौन कौन से क्रियाओं के माध्यम से कौन कौन से योगासन किए जाते हैं उसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा इस यूनिट के अंतर्गत योग और व्यायाम में क्या अंतर है, इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। साथ में पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में जानकारी दी जाएगी, अष्टांग योग के अंदर जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, योग के अंतर धारणा, ध्यान, समाधि है, इस प्रकार से अष्टांग के बारे में जानकारी है वो दी जाएगी। और व्यायाम और स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी और किस प्रकार से हम योग और साधना ध्यान के द्वारा हम रोग निवारक अभ्यास रोग अपने रोगों का निवारण है वो कर सकते हैं, इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी और रोगों को दूर करने वाले व्यायामों की जानकारी भी इसी यूनिट के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा स्वयं की अवधारणा प्रश्न पत्र जो कि पंचम है हमारे बीएड के सेकेंडरी के अंतर्गत उसका ये सिलेबस था और इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।